मध्य प्रदेश में 8 नगरी निकाय और जिला पंचायत अनूपपुर के चुनाव की घोषणा कर दी गई है। 22 दिसंबर को मतदान होगा और 26 दिसंबर को उनकी मतगणना होगी। चुनाव कार्यक्रम तय होने के साथ आचार संहिता लागू हो गई है। राज्य निर्वाचन आयुक्त आर परशुराम ने आज पत्रकार वार्ता में ये घोषणा की। सीहोर नगर पालिका, शाजापुर और मंदसौर नगर पालिका परिषद, शाहगंज, मझौली, धामनोद, ओरछा और भेड़ाघाट नगर परिषद में ये चुनाव होंगे। इन तारीखों में केवल अनूपपुर जिला पंचायत के लिए चुनाव होगा। 1 दिसंबर से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 8 दिसंबर तक नामांकन पर्चे दाखिल किए जा सकेंगे। 11 दिसंबर को नाम वापसी होगी। नगरीय निकायों के चुनाव परिणाम 26 दिसंबर को होंगे तो जिला पंचायत का चुनाव परिणाम 27 दिसंबर को होगा। जो हमारे 8 निकाय हैं, नगरीय निकाय, सीहोर नगर पालिका परिषद सीहोर, नगर पालिका परिषद शाजापुर, नगर पालिका परिषद मंदसौर, ये तरह 3 नगर पालिकाएं एवं शाहगंज जिला सीहोर में और मझौली जिला सीधी में, धामनोद जिला रतलाम है ये, और ओरछा जिला टीकमगढ़ और भेड़ाघाट जिला जबलपुर में चुनाव होगा। और साथ ही उसी दिन अनूपपुर जिले में जिला पंचायत के लिए भी निर्वाचन होगा, केवल जिला पंचायत के लिए, और जितने भी बाय इलेक्शंस हैं वो भी उसी दिन होंगे। निर्वाचन कार्यक्रम का प्रकाशन हो जाएगा और कल 1 दिसंबर 2015 से नॉमिनेशन प्राप्त किए जाएंगे, और इसके नाम निर्देशन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी 8 दिसंबर। नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा अर्थात स्क्रूटनी होगी 9 दिसंबर को। नाम वापसी के लिए तारीख है 11 दिसंबर शुक्रवार। निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार कर उन्हें प्रतीक आवंटित किए जाएंगे 11 ही तारीख को, 11 दिसंबर को। मतदान होगा 22 दिसंबर को और मतगणना और निर्वाचन परिणामों की घोषणा के लिए मतगणना होगी 26 को। 25 को क्रिसमस की का पब्लिक हॉलिडे है, सार्वजनिक अवकाश है, तो 22 को वोट डलवाए जाएंगे और 26 को गिनती होगी। और जिला पंचायत सदस्य के लिए जो सारणीकरण होता है, निर्वाचन परिणाम की घोषणा है, वो 27 तारीख को की जाएगी, बाकी जगह 26 को ही संपन्न हो जाएगी। 8 नगर पालिकाओं में और 1 जिला पंचायत अनूपपुर में आम निर्वाचन का कार्यक्रम मैं घोषित कर रहा हूँ उन्हें। कल 1 दिसंबर को नामांकन पत्र प्राप्त करने की कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। यह कार्रवाई 8 दिसंबर तक यह कार्रवाई चलेगी। इन नाम निर्देशन पत्रों को, नॉमिनेशन पेपर्स की स्क्रूटनी 9 दिसंबर को होगी। नाम वापस लेने के लिए नियत होगी तारीख 11। निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची को तैयार करना और प्रतीक आवंटन करना होगा 11 ही तारीख को। मतदान की तारीख होगी 22 दिसंबर और मतगणना के लिए और चुनाव परिणामों की घोषणा के लिए 26 दिसंबर नियत किया गया। भोपाल से EMS TV के लिए कैमरामैन डैनी खान के साथ आकाश सोनी की रिपोर्ट।